जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज मैं आप सबको लेके चलने वाला हूँ चेन्नई से कन्याकुमारी की इस जर्नी में। कन्याकुमारी जो कि भारत का लास्ट स्टेशन है, एकदम साउदर्न मोस्ट स्टेशन है, जहाँ से उसके आगे कोई ट्रैक नहीं जाती, कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन वहाँ तक आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं। और आप लोग देखेंगे इस यात्रा में क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं मेरे। फिलहाल मैं हूँ चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन में। बहुत ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है और आसमान भी एकदम खिला खिला सा है, खुला हुआ। और मेरा इंतज़ार है कि इस जर्नी में क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली हैं, उन सभी चीज़ों का मैं आप लोग को रिव्यू दूँ। और अगर बात की जाए कन्याकुमारी की, तो कन्याकुमारी में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों ही मिलते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मिलते हैं। पूरा समुद्र समुद्र होता है उसके एंड पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है कन्याकुमारी। और जो स्टेशन है वो लास्ट स्टेशन है इंडिया का, एक टर्मिनल स्टेशन है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चेन्नई आपके ज़माने का हमारा चेन्नई एग्मोर अब एक ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन है कम्प्लीटली। मीटर गेज ट्रेन यहाँ नहीं चल रही हैं और साउथ में भी नहीं बची हैं। पहले मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, ये सभी रूट मीटर गेज के हुआ करते थे, अब कुछ भी नहीं बचा है। और जो हमारी यात्रा है चेन्नई एग्मोर से शुरू होने वाली है, यहाँ 11 प्लेटफॉर्म से स्टेशन में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि चेन्नई सेंट्रल और चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन अलग अलग स्टेशन है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो चेन्नई सेंट्रल से यहाँ तक ऑटो का किराया मात्र 50 रुपये है, इससे ऊपर मत दीजिएगा किसी को। और वैसे अगर नॉर्मल दिनों में आ रहे हो, अभी तो फिलहाल कोरोना काल चल रहा है, कोई नहीं आसपास, इसलिए मास्क नहीं लगाया हुआ है, अगर आप नॉर्मल दिन में आ रहे हो तो मेट्रो की सर्विसेज भी हैं और लोकल ट्रेन भी चलती हैं। आपको जस्ट स्टेशन से बाहर निकलना है, राइट साइड जाइए और स्ट्रेट आप देखेंगे चेन्नई पार्क नाम का रेलवे स्टेशन है। चेन्नई पार्क का मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ से एग्मोर तक की आपको ट्रेन और मेट्रो दोनों मिल जाएंगी। 5 रुपये में आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो सुविधा लीजिएगा। अगर कोरोना काल में आ रहे हो या किसी बिजी डे में आ रहे हो या रात में आ रहे हो, 50-60 रुपये बहुत है ऑटो के लिए, 1.6 किलोमीटर ये मात्र, इतना ही दीजिएगा। और दोस्तों अगर खाने पीने की बात करूँ तो रोड पार करते ही आपको सामने खाने पीने के खूब सारे होटल देखने को मिल जाएंगे, तो खाना पीना आप यहीं से करके चलिएगा कोरोना काल में, क्योंकि आगे पता नहीं खाना मिले ना मिले, वो तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कैसी रहती है जर्नी। चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है और इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ और जो चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन है, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था मीटर गेज के समाने से चला आ रहा है, उतना ही खूबसूरत अंदर से भी है। एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी देखने को मिली मुझे जैसे स्टेशन में घुसा, और एक छोटा सा फोटोग्राफ जो कि मुझे लगता है मीटर गेज ट्रेन की हाइट के हिसाब से बनाया गया होगा। और तभी हमारी ट्रेन भी लगा दी गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चेन्नई एग्मोर के, और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। ट्रेन जो है काफ़ी खाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसी टू टायर में हूँ और इंटीरियर आप लोग को कई बार दिखा चुका हूँ। फिलहाल अभी समय हो रहा है 4:50 और अब से लगभग 25 मिनट पे हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होगा, तो इंतज़ार है मुझे डिपार्चर का ताकि आप लोग को दिखा पाऊँ। एग्मोर स्टेशन फुल लेंथ वाइज काफ़ी पीछे है हमारा कोच, बता दूँ कि जो एसी कोचेज है पीछे रहते हैं और जो स्लीपर कोचेज है काफ़ी आगे हैं। जो स्टेशन में आप एंट्री लेते हो तो एसी कोचेज आपको सामने ही देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आपका स्क्रीनिंग वगैरह हो जाता है उसके बाद आपको स्टेशन में एंट्री मिलती है, और जहाँ आपकी एंट्री होती है वहाँ HA1 का कोच आएगा, उसके बाद A1 A2, फिर 3 टायर और आगे की और स्लीपर के कोचेज रहेंगे। तो आप लोग से मुलाकात होगी मेरे डिपार्चर के टाइम पर, कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। निर्धारित समय से 1 मिनट की देरी के साथ हमारा डिपार्चर हो चुका है चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से दोस्तों, और खाने पीने की सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं स्टेशन में ही, आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। धूप को तो देख करके लगता है कि एक सुनहरी शाम हम लोग का इंतजार कर रही है, बहुत अच्छी शाम देखने को मिलेगी शायद, क्योंकि सूरज है जो बहुत ही अच्छे ढंग से चमक रहा है, आप शायद समझ पा रहे हो रोशनी से। चलिए देखते हैं डिपार्चर चले एग्मोर से।
दोस्तों आज मेरे को एक बहुत ही अच्छा ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है इंडियन रेलवेज ऐप लोकल ट्रेन टाइम टेबल। मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई ऐसे बड़े बड़े शहरों की लोकल ट्रेन का शेड्यूल भी इसमें मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप लोग ऑफलाइन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना तो भी ये ऐप काम करता है। और ऐसे में क्या है अगर मान लो चलती ट्रेन में आपका नेट चला गया, आपको आगे कनेक्टिंग ट्रेन देखनी है, लोकल ट्रेन देखनी है, कोई है कि नहीं, तो आराम से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं और साथ में देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ के लिए है, कितने बजे है। और जैसा कि ये देख लेते हैं अभी हम लोग, इंटरनेट ऑफ है मेरा, आप लोग देख सकते हो इंटरनेट वगैरह ऑफ है। चेन्नई से बैंगलोर की ट्रेन सर्च करते हैं, हम लोगों ने चेन्नई से बैंगलोर ट्रेन सर्च की। आज 20 नवंबर है, आज की ट्रेनें तो है नहीं, सिर्फ 21 नवंबर की जो ट्रेन है वो ट्रेन दिखा रहा है। आप ट्रेन पर क्लिक करिए, बीच में जितने स्टॉपेजेस है वो भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट हो चाहे ना हो स्टॉपेज वगैरह देख सकते हो, शेड्यूल देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐप होने वाला है। साथ में आप इसमें PNR वगैरह भी चेक कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। कुछ कमी वगैरह लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा ज़रूर। फिलहाल चलिए कंटिन्यू करते हैं इस शानदार जर्नी को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले हॉल्ट पे यानी ताम्बरम रेलवे स्टेशन पे और एकदम राइट टाइम आई है। 5:43 का टाइम था, शार्प 5:43 ट्रेन यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। काफ़ी छोटा स्टेशन है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि चेन्नई एगमोर से अपने खाने पीने की चीज़ें ले करके चलें। और साथ में अनाउंसमेंट हो रही है, थोड़ी अपनी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारी चेन्नई एगमोर कन्याकुमारी एक्सप्रेस है टोटल 740 किलोमीटर्स को 13 hours 5 minutes में तय करती है, जिसमें से पहला स्टॉप है और ये 15 स्टेशनों में रुकती है। हम लोग आज विल्लुपुरम, वृद्धाचलम, त्रिचुरापल्ली जंक्शन, मदुरई, डिंडीगुल, तिरुनेलवेली जंक्शन के रस्ते नागरकोइल जंक्शन होते हुए कन्याकुमारी पहुँचेंगे कल सुबह 6:20 पर। और आप लोग ये पूरी जर्नी मेरे साथ इंजॉय करने वाले हैं। शाम के शॉर्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए अब देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। काफ़ी हरा भरा स्टेशन लग रहा है ताम्बरम और प्लेटफॉर्म भी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, बीच में पेड़ पौधे लगे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इसी बहाने। चेन्नई की शान, चेन्नई लोकल जो भी फ़िलहाल कोरोना काल में नहीं चल रही है सामान्य यात्रियों के लिए यानी हम जैसे पब्लिक के लिए, रेलवे के स्टाफ के लिए चल रही है। देख सकते हैं कैसे सुनसान खड़ी है, इंतज़ार कर रही है कब कोरोना काल हटे हमारी तरह और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन है फिलहाल चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन में और एक ज़माने में मीटर गेज ट्रेन का बहुत ही बड़ा जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन हुआ करता था। मुझे लगता है चेन्नई का जो ये रूट है इकलौता रूट था जहाँ पे इलेक्ट्रिफाइड मीटर गेज के लोकोमोटिव्स भी चलते थे। और वैसे तो अगर DEMU ट्रेन की बात की जाए जो मीटर गेज की, वो तो और भी रूट्स में भी चलती थी, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिफाइड मीटर गेज की DEMUs भी चला करती थी दोस्तों। तो बहुत सारे वीडियो इंटरनेट में हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हिस्ट्री रही है स्टेशन की। और ये हमारी ट्रेन का दूसरा स्टॉप चेन्नई एगमोर चलने के बाद, और रात हो चुकी है, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो आप केवल इंपॉर्टेंट स्टेशन दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे छोटे स्टेशन में भी ये रुकती है। तो आप लोग से मुलाकात होगी आगे आने वाले स्टेशन में, आप लोग इन्जॉय कीजिए चेंगलपट्टू से डिपार्चर को दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिपार्चर हो चुका है चेंगलपट्टू से, लेकिन एक चीज़ बता दो, इंजन बहुत आगे यार, दिखाने में बहुत दिक्कत हो रही है। पीछे से अगर बात की जाए तो एक D3 का कोच, सबसे पहले तो EOG, उसके बाद D3 का कोच, फिर HA1 का कोच, फिर A1, A2, फिर 3 3-टायर के कोच, उसके बाद 10 स्लीपर के कोच, फिर 2 जनरल मतलब D1 D2, उसके बाद EOG, फिर इंजन, इतना कुछ है आगे, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है लोकोमोटिव दिखाने में दोस्तों। हमारी ट्रेन चल चुकी है चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन से और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब हवा बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप गेट के पास खड़े हैं तो मतलब एकदम क्लोज मत खड़े हुए, मैं काफ़ी डिस्टेंस में खड़ा हूँ गेट से, और जैसे हल्की स्पीड पकड़ेगी अंदर चला जाऊँगा। ठीक है चलिए और अंदर आ जाते हैं ताकि आप लोग ऐसे चीज़ें रिपीट ना करें।
और एसी कुछ के अंदर के जो टेम्परेचर है उससे अच्छा बाहर का मौसम लग रहा है, मतलब जो ताज़ी हवा होती है। लेकिन जब कब ये कोरोना काल हटेगा और ये मास्क हटेंगे उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:36 PM और हम लोग पहुंच चुके हैं विलुपुरम जंक्शन, जहां पर ट्रेन का अराइवल टाइम है 7:50 का। और वैसे एक और चीज़ मैं बता दूं, उसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि काठपाड़ी से एक लाइन यहां आई हुई है और जो लोग पौंडीचेरी जा रहे हैं यानी पुडुचेरी जा रहे हैं उनकी ट्रेन यहीं से गुजरेगी और विलुपुरम से ही रास्ता गया हुआ है पुडुचेरी के लिए। तो अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं दिल्ली पुडुचेरी एक्सप्रेस या दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस में तो विलुपुरम से रूट अलग हो जाएगा आपका, या चेन्नई से पौंडीचेरी वाली ट्रेनें भी अगर आप ले रहे हैं तो यहीं से रूट अलग होगा। अब यहाँ से हमारी ट्रेन बढ़ जाएगी वृद्धाचलम जंक्शन होते हुए त्रिशापल्ली की ओर दोस्तों। तो आप लोगों से मुलाकात। तो दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से वृद्धाचलम जंक्शन से चल रही है और वृद्धाचलम को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रास्ता गया है सेलम की ओर, दूसरा गया है नेवेली होता हुआ कडलोर की ओर और एक बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, प्यारा सा स्टेशन है। काफ़ी कुछ स्टेशन में नहीं है वेटिंग रूम वगैरह, खाने पीने के कोई स्टॉल मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिले। यहाँ से हमारा डिपार्चर हो रहा है, ट्रेन यहाँ पर निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुँच गई थी। चलिए अब पहुँचते हैं इसके बाद त्रिचरापल्ली जंक्शन जो कि बहुत ही बड़ा स्टेशन है, वहाँ पर देखते हैं कुछ खाने पीने का हमें मिल पाता है कि नहीं और कैसा रहता है त्रिचरापल्ली जंक्शन का कोविड के समय का हाल। आप लोग अपडेट मिलेगी, ट्रेन तेज़ हो चुकी है, दरवाज़ा बंद करते हैं और चलते हैं कोच के अंदर और अब आप लोग से सीधा मुलाकात होगी त्रिचरापल्ली। तो दोस्तों फिलहाल समय हो रहा है 10:17 यानी 10:17 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है त्रिचरापल्ली जंक्शन। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेशन है ये साउथ का और त्रिचरापल्ली को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से कुंभकोणम के लिए लाइन गई हुई है तंजौर होते हुए और त्रिचरापल्ली से मानवमदुरई होते हुए रामेश्वरम के लिए भी ट्रैक गया हुआ है, साथ में यहां से कडलोर के लिए ट्रैक गया है और डिंडीगुल होते हुए ईरोड के लिए भी ट्रैक गया हुआ है ईरोड के लिए डायरेक्ट ट्रैक गया हुआ है। डिंडीगुल वाले रूट पर तो हम लोग जा रहे हैं अभी और बहुत ही खूबसूरत चांद शुरू से हमारी यात्रा में साथ दे रहा है, खुला आसमान है और एक स्पेशल लोकोमोटिव मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप पहले वो क्लिप देखिए फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप लोगों ने लिवरी देखी ना, ये लिवरी थी जीओसी शेड यानी गोल्डन रॉक शेड की। ग्रीन कलर के लोकोमोटिव्स होते हैं, ग्रीन कलर के कलर में से पेंट किया जाता है, होते तो हमारे WDM लोकोमोटिव और WDP यही लोकोमोटिव्स हैं, ग्रीन कलर में पेंट किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जीओसी की ये लिवरी। और आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और साथ में एल्को की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ पर समय से पहुँच चुकी थी, 9:45 एक्चुअली पहुँच चुकी थी, प्लेटफॉर्म में 10:17 लाया गया आराम से धीरे धीरे और बाकी आगे की यात्रा हमारी ऐसे ही चलती रहेगी और अब यहाँ पे सो जाते हैं। बाकी जो यात्रा है पूरी रात की है, अभी डिंडीगुल मदुरई तिरुनेलवेली ये सब स्टेशन आएंगे और सुबह हम लोग नागरकोइल पहुँचेंगे, देखते हैं हम लोग कितने बजे तक जग पाते हैं। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ रेस्ट करने, थोड़ा बहुत अब वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके ट्रेन के मज़े लेंगे, थोड़ा बाहर के नज़ारों का आनंद लेंगे और सुबह जैसे ही आप नींद खुलती है ना आप लोगों से मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग शॉट के साथ
आप लोग इंजॉय कीजिए तिरुचिरापल्ली से डिपार्चर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सुबह जैसे ही नींद खुलती है, डे लाइट मिलती है, आप लोग से मिलता हूँ। गुड नाइट दोस्तों। दोस्तों रास्ते में खाने पीने के स्टॉल जो है वो बंद ही रहे हैं ज़्यादातर। तिरुचिरापल्ली में अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको स्टेशन में बिरयानी जैसी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। दो तीन स्टॉल खुले हुए हैं लेकिन वो स्लीपर के कोच के पास हैं, तो एसी के कोच को आपको पार करना पड़ेगा और बाहर क्यों निकलना पड़ेगा। फिलहाल हमारी ट्रेन यहाँ तिरुचिरापल्ली से चल चुकी है राइट टाइम बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। दोस्तों मॉर्निंग दोस्तों, अभी समय हो रहा है 5:20 और हमारी ट्रेन अपने सेकंड लास्ट स्टॉप यानी नागरकोइल जंक्शन पहुंच चुकी है। नागरकोइल को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से एक लाइन तिरुवनंतपुरम की ओर गई हुई है और दूसरी जिसे हम आ रहे हैं ये मदुरई तरफ से आ रही है, और ऑलमोस्ट 90% ट्रेन यहीं पर खाली हो गई है। जो यात्री थे वो सभी के सभी नागरकोइल में ही ऑलमोस्ट उतर गए हैं। अब यहां से 13-14 किलोमीटर कुछ बचा है कन्याकुमारी जो कि लास्ट स्टेशन है इंडिया का, तो चलिए वहां तक देखते हैं। अब ये जो बचा कुचा हिस्सा है शायद डे में आपको देखने को मिले क्योंकि अभी हो रहा है 5:20 और 5:35 यानी 5:35 के ट्रेन का यहाँ डिपार्चर है। देखते हैं कैसे रहते हैं यहाँ से कन्याकुमारी तक के नज़ारे, शायद है कि डे लाइट देखने को मिल जाए हमें यहाँ पे, और इसी बहाने लास्ट स्टेशन कैसा है इंडिया का वो भी आज हमें देखने को मिलने वाला है। लगभग 10 साल हो गए, 2010 में मैं यहाँ पे आया था। 2020 में क्या हाल है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के, क्या अपग्रेड्स हैं? जैसे पहले जब मैं आया था तो ये सेक्शन पूरा डीजल हुआ करता था, अभी इलेक्ट्रीफाइड हो गया। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं यहाँ से डिपार्चर के बाद देखने को मिलेंगे। काफ़ी एक्साइटेड हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन को देखने के लिए, तो देखते हैं नागरकोइल से डिपार्चर। दोस्तों फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं ऐसा कलर देख रहा हूँ स्काई का, वो भी इतनी अर्ली मॉर्निंग। समय हो रहा है 5:40। तो दोस्तों अभी निर्धारित समय से 20 मिनट पहले 6 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। सुबह हो रही है, अभी दिन धीरे धीरे दिन की शुरुआत हो रही है, सूरज देवता निकल रहे हैं और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म का मात्र स्टेशन है। चलिए चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ वो हिस्सा जहाँ पर हमारा भारत जो है एंड होता है, जहाँ से बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी एक दूसरे से मिलते हैं, वो एरिया देखते हैं चल के। जल्दी से चलते हैं और इन्जॉय करते हैं सनसेट एंड सनराइज़ व्यू पॉइंट को। दोस्तों यहाँ हमारे पीछे है श्री विवेकानंद जी का वो स्टैचू जो कि बहुत ही फेमस है, जो कन्याकुमारी में है, और यहाँ पीछे टेंपल भी आप लोग देख पा रहे होंगे। और एक और पॉइंट है जो है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे
तीनों महासागर मिलते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी यानी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ये सभी मिलते हैं। वो थोड़ा पीछे तरफ है, वहाँ भी चलते हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है वो व्यू पॉइंट जहाँ पे तीनों समुद्र एक साथ मिलते हैं। पीछे आप देख सकते हैं मंदिर और खूबसूरत सी ये सुबह, और यहाँ पे तीनों समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं। और इस वीडियो के एंड में यहीं से करना चाहूँगा, मैं मिलूँगा आप लोगों से और आने वाले वीडियोज़ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी भी हैं सामने और यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारे आने वाले वीडियोज़ में। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।